इसका हाथ लेके ना ऐसे रखिएगा और देखिएगा और इस तरह करके ये कान यहाँ ले जाएगा अंगूठा या कान तक और फिर हाथ पलट जाएगा, ये पानी पहुँचा जाएगा इधर का भी इधर का, ये नियम है इधर से ले जाना है और यहाँ से ये उंगली जो है फिर कान के लौ में अंगूठा कान के लौ में और फिर हाथ पलट जाएगा, यही मसा है। लेकिन हम लोग कहिए हाँ रे चुक चुकुआ कौन किताब में लिखा जादू चुक चुक वाली बल हजरत साबू चुक चुका है तो चुक चुक है मतलब कोई मतलब काहे करब करो मतलब हिसाब किताब खत्म। इसलिए कुछ हो या ना हो बाल बच्चों को पढ़ाना मौजूद काबिले कदर उलमाए किराम वीआईपी अंदाज में बैठे सामने के राम अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहन बहु बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम धुमा उड़ाने वाले मुसलमान अस्सलाम वालेकुम। वहाँ ये आग लागल इनकी कसम खुदा की बहुत लोग बर्बाद है, वहाँ ये आग लागल इन चूल्हा है कि अल्लाह बेहतर जाने पहले फुदके ले वहाँ की दिन कसम। हाँ बच्चा फुदक रहा था लागे काल जन्म एकदम जहाँ फुदकाना वहाँ नहीं फुदक रहा है लागे ससुराल इंदर है जबरदस्ती बैठल। सोचना चाहिए मिलाद में आए हैं मोटरसाइकिल हम रात ही बैठ रहे हो ताको अल्लाह है बाल और दिगार ये बुतरू ने कर दिया सुधरते अजब माहौल है ना। कुछ लोग खाना खाने आए थे वो लोग दुनिया में खाने ही लिए पैदा हुए सही बात मिलाद जैसा कोई मतलब ना खालको और जगह नोम बेग सुतौर सही बोलो। कुछ लोग ऐसे ही दुनिया में है उनको दीन ने धर्म से मतलब ने मिला से मतलब ने क्या हो रहा है दुनिया में कुछ नहीं खाली खा के सोया सुबह उठा बोल की बिल्लो बोलो उमेर गिर बोल कैसे मर लो मुझे पूछिए बोला कैसे मर लो मतलब दुनिया रखो तो कुछ बचो और कुछ बचाओ। दुनिया में आए हैं तो कुछ पहचान रखिए यको को मुनाम टोपी हो चाहे तो नहीं लाज शर्म दुनिया में और भोज क्या लिया ली कि कवाली सुन लिया जब जान रहा तुमको मिला सुना देखो मुनाम टोपी रखना चाहिए। बताइए ये सब तरीका कोई यूट्यूब चैनल वाला देखेगा कहेगा कहाँ वो लोग कौन इलाका का आदमी है चैनल चलता है इसलिए टोपी जरूरी है। जब भी मिला जलसा में जाओ एगो रुमाल पॉकेट में रखना चाहिए नहीं तो थोड़ा सा चढ़ा लो सर पे अरे कौन कहते कि तुम लोग पगड़ी मार लो जुबा पहन लो। लेकिन जहाँ जहाँ पढ़ने का है बैठने वहाँ तो उस तरह करो ना उसमें जो जो करना है करते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کریں پڑھیں اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك سلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلاما علیک یا رسول اللہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی صاحب خانہ نے عقیقہ کے نام اتنا بڑا پروگرام عقیقہ یہ کیا ہے ایک شوق ہے ایک سنت ہے ایک محبت ہے 10-20 آدمی گھر میں آئے برکت بھی ہے جہاں مہمان آتے ہیں وہاں برکت ہوتی ہے
इसलिए लोग कहता चलो मैं एक नबी की सुन्नत, ये कम बड़ी है कि पैसा खर्चा करना, क्या जरूरी था कि इतने लोगों को खाना खिलाना बुलाना, ये नबी की सुन्नत है यार। सुन्नत को जो अदा करता है, कल वो जो सुन्नत अदा करे 100 शहीदों का, उसको इनाम मिलता है। इसलिए लोग शौक पैदा करता है बाल बच्चा होने पर कि चलो मेरे घर में बेटा हुआ बेटी, जिसके जिसके बाल बच्चा होता है ना, एक उमंग घर में होता है कि चलो इसका अकीका करेंगे, खुशी में भी चूरे लोगों को 10-20 हजार 100-50-60 हजार खर्चा हो जाता, गम नहीं होता, क्योंकि वहां नबी की सुन्नत से मोहब्बत है, तब नहीं इतने लोग बैठे। आप लोगों को अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है तब ना बैठे हैं, ताकि कुछ दीन की बात, इस्लाम की बात, ईमान की बात, कुरान की बात, शरीयत की बात सुन ले, सुनना चाहिए, तब ना सुनते सुनते कभी तौफीक हो तो आदमी सुधर जाता है, सुनते सुनते बदलाव होता है, कभी एक बात दिल में असर कर जाए लोग उसी में इंसान कबूल कर लेता है, उसी पर लोग अमल कर लेते हैं। तौबा हमेशा नहीं किया जाता, जिंदगी में एक बार तौबा होती है और वो कबूल होती है। लोग नमाज पढ़ते हैं, जब तौफीक होगी तो पढ़ेगा, जरूर पढ़ेगा, एक दिन पढ़ना होगा हर हाल में। साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, ये जलसा ही नहीं तो क्या है, जलसा ही है तो इतना बड़ा जलसा सजा, औलाद की मोहब्बत में, औलाद घर में हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, माँ बाप के लिए वो नेमत है, रहमत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अकीका कर दिए, खाना खिला दिए और उनके बाद उस बच्चा को फिर छोड़ दिए। अब वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है। जैसे अभी मोहब्बत किए हो गोद में रख करके, कोई मच्छर बढ़ जाता तो माँ भगाती है ना, गंदा में अगर बच्चा सोया रहता तो माँ उसको साफ करती है, उसी तरह माँ बाप को उस बच्चे को जब तक रहे जिंदगी, जब तक तू रहे अपने बच्चे के जिंदगी में, कभी गंदगी नहीं आने देना, कभी दुनियावी मच्छर नहीं बैठने देना, कभी चुगली गिब्बत की हवा नहीं लगने देना, कभी चोरी चमारी के उन पर असर नहीं होने देना। बाप हो हिफाजत करते रहो, नहीं ए चोरी हवा इधर मत आ, ए चुगली गिब्बत हवा मेरे बच्चे की तरफ मत आ, ए रिश्वत मेरे बच्चे को मत छो, ए गंदगी मेरे बच्चे की तरफ मत आ, ये बच्चा मेरा सुथरा रहेगा। जब यही बच्चा आगे चल के पढ़ेगा, सर पे टोपी लेगा, हमारा जनाजा कंधे पे होगा, बेटा मेरा पाक होगा, पाक जुबान से पाक परवरदिगार का नाम लेगा, वो रब पाक है, हम गुनाहगार हैं, अल्लाह रहम करेगा मुझे बख्श। इसको ध्यान, पड़ाका फोड़ता है दीपावली, पड़ाका फोड़ रहा था लगभग, छिरछिरिया जलेबी कसम से छिरछिरिया, उसको पूछे है तो बचपन में पड़ाका फोड़ो, बोले नैन माने, कहले नैन मानो तो बम दे दिया, मैं जा तो बाप पैसा दे रहा था, अरे 20 टका ले दियो भाई, बोल बैठ, बोल 10 टका तो फोड़, 10 टका ये फोड़ते है जेटा ने पंच का हम फोड़। वाह रे मुसलमान, पड़ाका फोड़ भाई पैसा दे, बोल झरा ना करियो दियो भाई, पड़को बैठ ले, पड़े का मटवाए वाला बाप होता है कि, और बड़कन बड़कन सब जुआ खेले चले गए दीपावली थी, बोल चल ना चले, बोल चल ना, यहाँ आप लोग ने ये लोग ने ये लोग बेचारा सब क्यों दिखाओ, देखिए लागो साहब दूध के दो ये लोग ठीक ठाक सही। तो जो मुसलमान का बेटा पड़ाका फोड़े, बाप जुआ खेले, दादा चुगली करे, दादी उसकी झगड़ा लड़े, बहू सब इधर उधर करे, बाल बच्चा फरेबी करे, उस कौम से क्या उम्मीद कीजिएगा। पूरे घराने में कोई सही रास्ता पर नहीं है, सब बिगड़ा माहौल में चल रहा है, मुसीबत आती है। याद रखो, जब इंसान को मुसीबत आए तो पुराने पीर, बड़े पीर, रोशन जमीर, दस्तगीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम करना, दिल से पुकारना, जो गौस को पुकारता है गौसे आजम उसे मदद करता है। ऐसे गौसे आजम नहीं बन गए थे, 40 साल तक एक ही वजू में फजर की नमाज पढ़ते थे, फजर ईशा में वजू करते और फिर उसी वजू से फजर में नमाज पढ़ते, उसी को गौसे आजम कहते।
बड़े पीर किसको कहते हैं? एक पांव में ईशा और फजर के बीच में एक पांव में खड़ा होते, एक पांव को खड़ा कर देते, अरे कुरान शरीफ पकड़ लेते और 16 साल तक लगातार ईशा फजर के बीच में मुकम्मल कुरान पढ़ते, उसी को गौसे आजम बड़े पीर कहते। 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे, उसी को बड़े पीर दस्तगीर। चोर जाए दरवाजे पे वली बन के लौटे, बेटी वाला जाए तो बेटा लेके लौटे। 12 साल की कश्ती डूबे और उस पर अगर दरखास्त करे तो बड़े पीर उसी 12 साल की डूबी हुई कश्ती को समंदर से दूल्हा समेत निकाल दे, उसी को बड़े पीर कहते हैं। मुसीबत हो मौलाना मौलाना इमाम को बुला के घर में गरीब गौसे आजम के नाम पे कभी फातिहा करवा लीजिएगा, उससे बड़ी बरकत होती है। गौसे आजम के नाम पे 11 रुपया, 100 रुपया, 50, 10, 20 जो भी हो ला के मौआ साहब मेरे घर में आइएगा ना। हर एक एक आदमी ऐसे ऐसे हैं शहरों में कि हर महीना 11 तारीख को फातिहा करते। मौला मोहम्मद अली जौहर को आप लोग जानते होंगे शायद, मौला मोहम्मद अली जौहर क्या करते थे, हर महीने में 11 तारीख को महफिले पाक सजाते थे। थोड़ा बाजा में प्रॉब्लम हो रहा है। महफिले पाक सजाते थे हर 11 तारीख को थे। एक दिन क्या हुआ कि जब वो महफिले पाक सजाते तो ऐसे नहीं सजाते थे, क्या करते मालूम है? जैसे यहाँ सब बैठे हैं, चिराग यहाँ से चारों तरफ चिराग जलाता, चारों तरफ चिराग जलाते और बीच में महफिले पाक सजाते, चारों तरफ चिराग बीच में महफिले पाक। एक दिन वो नौजवान लड़का उधर से गुजर रहा था, कहा मौलाना कैसा मौलाना है जी, इतना खर्चा क्या कर रहा है? एगो दूगो पांचगो दसगो चिराग जलाता हो जाता प्रोग्राम, इस हजारों हजार चिराग जला के ये फजूल खर्ची कर रहा है? ये ठीक बात नहीं है, फजूल खर्ची करने वाला सुनते हैं कि शैतान का भाई है। तो मौला मोहम्मद अल जौहर ने सुन लिया, कहे नौजवान इधर आओ, यहाँ आओ, तुम क्या बोल रहा था अभी? क्या कुछ नहीं हजरत, का नहीं तुम तो कुछ बोला, का कुछ नहीं, वही हम कह रहे थे कि इतना चिराग जलाने की क्या जरूरत है, एक दो चिराग जला देता काफी था, ये सैकड़ों सैकड़ों चिराग जला के ये महफिले पाक जो आप करते हैं ये फजूल खर्ची। कहा सुनो ऐसा करो चिराग को तुम फूंक दो, कहा इतना जलेगा? तो नौजवान लड़का चिराग फूंकने लगा, एक फूंकता दूसरा फूंका पहला जल गया, तीसरा फूंका दूसरा जल गया, चौथा फूंका तीसरा जल गया, मतलब एक फूंकता दूसरा जल गया। वो लड़का थक गया फूंकते फूंकते, कहा हजरत हाथ जोड़ते हैं अब मुझसे नहीं होगा, हम थक गए। कहा क्यों थक गया? कहा पता नहीं एक फूंकते दूसरा जल जाता है। तब वो मौला मोहम्मद अली जौहर फरमाते हैं कि चिराग यहाँ से उठा लो और उठा के एकदम दूर डंगली में लाके रख दो, वहाँ एकदम दूर में और वहाँ रख करके फूंकना। लड़का उठाया चिराग, फिर वहां जाके दूर ले गया और फूंक दिया। फूंकने के बाद बहुत देर तक देखा चिराग जलिए नहीं रहा, खड़ा है टुकुर टुकुर देख रहा बुझले है। तो मौला मोहम्मद अली जौहर के पास लाया, कहा हजरत वहां फूंके तो फूंकले रह गया, जला दोबारा नहीं। तो मौला मोहम्मद अली जौहर कहते सुनो ना, वो जो फूका हुआ चिराग बुझा हुआ जो चिराग है उसको लाके यहाँ सामने फिर रख दो सटा के। जो ही रखा फट से अपने जल गया। अब ये लड़का पागल, ये हो क्या रहा, यहाँ फूके जल गया फिर उसी को उठा के वहां फूके नहीं जला। तब मौला मोहम्मद अली जौहर फरमाते सुनो ये चिराग का कमाल नहीं, ये रोशनी का कमाल नहीं, ये जलने का कमाल नहीं, ये महफिले पाक का कमाल है। जब महफिल में बुझा हुआ चिराग बैठ जाए तो वो चिराग में रोशनी आ जाए, और जब इंसान कोई बैठ जाए तो उनके ईमान में भी चमक पैदा हो जाए। जिसे अल्लाह चाहता है वही अल्लाह व रसूल की महफिल में बैठता है। सब नहीं, मस्जिद सब बनाता है, नमाज कोई कोई पढ़ता है, बेटा सबका होता है, मौलाना कोई कोई बनता है। घर में तो मस्जिद मदरसा सब में चंदा देता है लेकिन पढ़ता किसी किसी का बेटा। तो मिलाद सब कोई सजाता है लेकिन बस बैठता सब नहीं जिसको अल्लाह चाह लेता है। जैसे इरादे से एक लोग बनते हैं मन के टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाजा बोलते। कितना कितना लोगों के पास पैसा है, खाजा के पास क्या, वो खागा नहीं गया। पैसा बहुत है कहीं नहीं जाता, पैसा मोटिया सुतौल है,
एक दो आदमी कुछ और नहीं है, बेच बाँच के चल अजमेर, आज कलियर, आज बगदाद, आज उमरा, 85-90 हजार में उमरा होता है, लोग उमरा कर करके आता है। क्यों? अरे कभी गुंबदे खजरा तो देख लो जाके ना, नबी का दियार देख लो। हम लोग नबी को देखे नहीं, उनके नाम पे मिलाद करते, उनके नाम पे गली सजाते, उनके नाम पे घर सजाते हैं, उनके नाम पे जुलूस निकालते हैं। तो जो नबी को देखे नहीं उनके नाम पे सजाए तो इतना सुहाना लगता, तो नबी का मदीना कैसा लगता? कभी जाके देख लीजिए। नहीं, गाड़ी लेता है 1.5 लाख, 1.5 लाख में दोनों माँ बाप देते चला जाएगा उम्र में। देखिए घर में तीन तीन गाड़ी KTM गड़िया देख ले, कसम इतना मोटा टरवा ईर रहता, पांचो दिन बैठे ला तो खड़ा रहा। एक आदमी अपनी बीवी को लेके जा रहा था, बोला रे अपन घरवाली बैठा लेन गाड़ी, बोले बैठा लो हजरत, लागो खड़ा रहा, बोले अंग्रेज रहो 1.5 लाख के जब तरह का वो गाड़ी है, वो गाड़ी में खर्चा करेगा लेकिन माँ बाप को नहीं। नहीं होता, हम कहते क्या जरूरी कि इतना घर सजाना, 3-3 लाख का 1.5 लाख का गेट। अरे अरे तो 60-70 साल तो रहना ही, फिर इतना क्यों? 70 साल कितना, 50 साल चल के 40 साल के सबका तो बीत गया, और 10-20 साल पहुंचोगे उसके लिए मत पूछे। मार्बल है, टाइल्स है ना, एसी है, कूलर है, 1 घंटा बगैर पंखा में रह सकता है तो कब्र में कहाँ एसी पाएगा, वहां के लिए कूलर कहाँ लाएगा? सोचना चाहिए लोगों को। अभी एक जगह गए थे ना, बोले ना यूट्यूब पर, उस दिन एक गया कहाँ गए थे न पेशाब जो उस दिन गए, बोले के जलसा था तो हम लोटवाली अनजान लगे पेशाब करे नहीं, बोले झारखंड से, उन्हें कहा उधर 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 कहाँ जा रहे हैं आप, बोले के इस्तिंजा लगा, बोल रुक 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 घूर घूर, अरे यहाँ घुस हटे को इस्तिंजा खाना। जब हम अंदर घुसे बाथरूम, बोले यही है, जब अंदर घुसे खाली चारों तरफ देख रहे हैं, हम बोले बाथरूम है सैलून है, जब सजावट है मार्बल टाइल्स शीशा एकदम फेरन लवली डाब साबुन डिटॉल साबुन तौलिया, हम नहीं बाथरूम है सैलून है। हम चुपचाप हो गए, अपना बिस्तर वगैरह करके फारिग होकर निकलने लगे, सोचा हाथ धो करके जाएंगे। ठीक हाथ हाथ धोने के चक्कर में अब यहाँ देख रहे सामने, देखो यहाँ नल अलग है, यहाँ पेंप है, यहाँ गोल है, यहाँ नोम है, छुबे कौन? सोचते सोचते ठेरुआ लियो, लास्ट टाइम क्या किए हम, लास्ट में ये गोल काटा ठीक घुमाए यहाँ हाथवा छाने, अब हाथ हम पानी कहे गिरेगा, देखो ऊपर से मुड़ा में गिर लगा, देखो वहाँ छिर छिर जाने रे झरना, अब यहाँ हाथ छाने देखो हाथ हमने मुड़ा भी। अब हम बोले या अल्लाह क्या हुआ, बोले हजरत नहाइन गिर गए, नहाए नहीं अपना नहाप कर रहे। उसके बाद उसके उसको बंद किए, अभी हैंडलिया उठा दिए, अभी गर्म पानी कलिए मरेगे निकले, मतलब कितना खर्चा हुआ, बोल 3 लाख। कलिए तब माँ बाप भी हज किया होगा, बोल मैं बाप से बोल चल नया हो, कलिए वाह रे इंसान, 3-3 लाख में बाथरूम में खर्चा करने वाला मुसलमान, बताओ उन पैसों को तुम दुरुपयोग कर रहे हो, अरे उन पैसों को बचा के माँ बाप को मक्का मदीना दिखा दिया होता, माँ बाप वहां से लौटते, तुम घर बैठे माँ बाप का चेहरा देखता, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे को घर बैठे 1 हज मकबूल का सवाब मिलता है जो माँ बाप को एक नजर मोहब्बत की निगाह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना गहरा गोरी कर लग बात दे 10 टका की है ये जा, हाँ आप लोगों से लेने, हाँ लेने, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए आप लोगों से लेने मन नहीं करता है, लेकिन क्या कहा जाना है ले जाओ। हाँ सुनिए माशाल्लाह, तो चचा लो देखिए 10 रुपया की कहे नहीं लिए मन करो, लेकिन नहीं लेने कमो नहीं चलो देखने की कहो चचा लागू घुरा दे दे, लेकिन की कर क्यों फोन कर रहा है इतना जी, दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्म सल्ली अला, नहीं ये मोहब्बत से दिया है। कल खरपोका में जलसा था, ये जी बात आप सुने हुए गिरिडीह इलाके में है, गिरिडीह से 35 किलोमीटर ना,
तीर्टन थाना बहुत नक्सलाइट इलाका, खास कल जलसा था, काफी भीड़, जंगल इलाका था, लेकिन मजमा दो घंटे तकरीबन में थक गया। इनाम का मसला लग रहा था कि माशाल्लाह लोग मोहब्बत से सुनता था, तो जलसे में लोग आए तो बातों को सुनिए कि कह क्या रहा, कैच कीजिए मेरी बात। माँ बहने आप लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी सुनिए और अमल कीजिए। आप लोग के भी लिए सब कुछ है, जितना इस पर है उतना आप पर भी है। नमाज फर्ज है मर्दों पर, मजा नमाज फर्ज औरतों पर भी है, लेकिन ये लोग तो खैर नमाज सिर्फ रमजान में एक महीना को सर कम टेंट टू नहीं पढ़ लको यार, ईद दिन लगते तो हज कर न्याय उठे पार्ब हो जाओ। एक महीना ही लोग पढ़ते नमाज, रमजान में खाली पढ़ेगी सब, वो भी नहीं कोई कोई तो नमाज 12 महीना पढ़ना चाहिए। जो औरतें सुबह उठ के नमाज पढ़ती है ना, उसकी आंख में रोशनी होती है, उसके बाल कम पकता है, उसके सर का बाल नहीं पकता। जो इंसान भोरे उठता है चलता है ना, उसके बदन में तंदुरुस्ती आती है, चेहरे पे दाग नहीं होता। मेरे आका फरमाते कि जो वजू करेगा उनका चेहरा चमकेगा। मौला अली का कौल है कि सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से कोई इंसान का पांव जमीन पे पड़ जाए उनकी उम्र में बरकतें होती, रोजी में भी बरकतें होती, चेहरों में भी रोशनी होती। जो सुबह में फजर की नमाज पढ़ लिया करते उनके बदन में भी तंदुरुस्ती आ जाती। आज हर घर में गैस की बीमारी, 100 औरत में 90 औरत को गैस की बीमारी, मर्द में घुटना बीमारी, शुगर की बीमारी। क्या है 8 बजे 7 बजे टॉनिक सुतो तो उसको बीमारी होती है। गैर मुस्लिम औरतें आपके मोहल्ले अगल बगल में होती है, वो लोग का जो धर्म है ना, वो सुबह उठता है यहाँ फूल थोड़ा वो फूल थोड़ा, भिनसरे तोड़ करो फूल पूजा करने के लिए, यहाँ पत्थर में पानी ढारा, वहां जाके सिंदूर लगाया, नहाया धोया, सुबह फिर देखो हम बस देखा है। यार हम नहीं टनी लग तो पहले मेर ले गुमसन गन हा ये वो बुतरू हरा गलो अजो हाल होता है। नमाज रोजा से मतलब है नहीं, फरेश जब तक धर्म करोगे इबादत करोगे तो चेहरे में नूरानियत जम जाएगी। नबी की बेटी फातिमा घर में होती चक्की चलाती, घर में रहती आटा बनाती, घर में रहती जौ को पीसती, हसनैन करीमैन का झूला भी झुलाती, तस्बीह व तहलील भी करती, वक्त पे सजदा करती, खुरदुरी जमीन होती कच्चा मकान होता, लेकिन फातिमा की इबादत पक्का होता। अपने से मिट्टी देती फातिमा निपती अपने से, लेकिन नमाज की पाबंदी थी। अभी तो औरतें निपापती छोड़ दिया, पहले औरतें करती थी, अब तो रंग पोचड़ा हो गया हर जगह, तो मार्बल टेल्स हो गया, अब तो खाली पंखा चलाया सोया उठा। इतने सुख होने के बाद भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो कब पढ़ेगा। अब तो न टूलू में पानी, अब तो कुआं भी निकालना नहीं पड़ता, बटन टिपो पानी हाथ में, पंखा चालू करो हवा, सजदा करो आराम से, नमाज पढ़ के तस्वीर पढ़ो, बाल बच्चा कमाई रहा है, अब तुमको क्या मतलब। उम्र हो गई 50-60 साल, चुगली बोरा लेके बैठा है बिहार, कसम खुदा सब लड़का लोग काम करने चला गया, बहू सब उधर खाना उना पका रही है, सब साथ सब छात्र बैठ लेको और चुगली बोरा खोल दे। हाँ दीदी एक झोला तो ले जा, दीदी तुम कहाँ चल, एक झोला तो ले जा, चुगली बोरा बाटी, फिर 10-11 बजे बोले घर जाऊ, और खा पी 2 बजे फिर चुगली बोरा लेके बैठ गए। उसको को काम है ना, जोहर ना असर, खाली चुगली बोरा बांटने के लिए। बता बता उसके घर में क्या होगा। इसलिए माँ बहने तू तो अगर पीर तो नहीं बन पाएगी, फातिमा ना बन पाएगी, लेकिन कोशिश करना कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारना। कल मैदान महशर होंगे, समीत अंबी की होगी आसमा फौलाद का होगा, वही फातिमा की चादर होगी, तू गुनाहगार भी रहोगी, छा फातिमा के चादर में छुपने को तुम्हें जगह मिल जाएगी।
वहां मिलेगी जहां तेरा शोहर नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, भाई भाई से भागेंगे। आज शोहर बीवी में प्रेम है, लेकिन कल तू फरिश्ते तुझको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तेरा शोहर खड़ा देखता रह जाएगा, कुछ ना कर सकेगा। इसलिए बचने के लिए जमीन के ऊपर काम करना, मरने के बाद जमीन के ऊपर आराम होगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के निस्बत का ये महीना है, ग्यारहवीं शरीफ। क्या वली गया, चोर चोर गया था गौसे आजम के यहाँ, वली बन गया। ये मत कहना कि हम हाजी हैं जन्नत जाएंगे, ये फख्र मत करना। हम मौलाना हम जन्नती नहीं। अरे अल्लाह चाहे तो शराबी को बख्श देगा जन्नत आता है। बशर हाफी जाने जिंदगी वो शराब के अड्डे में रहा, लेकिन जब तौबा किया तो जन्नती हो गए, वली बन गए। एक दिन आदमी है नमाज पढ़ेगा, सबको कहेगा बोल सब खराब है, बोल हम नहीं बढ़िया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह ने तौफीक दी तू नमाज पढ़ रहा, कोई गारंटी नहीं कि कोई मौलाना ही की दुआ कबूल होगी। कभी कभी लोगों की आह भी होती जी, आह से बचिएगा। किसी की आंख में आंसू मत आने देना, किसी को मत सताना, किसी को परेशान मत करना, किसी के दिल को मत दुखाना। मरना पता है जब दिल से आह किसी की निकलती ना तो बाबे जाबर से टकराते आसमान चीर देता है। याद रखना मुसलमानों, इसलिए अपने बाल बच्चों पर नजर रखो। आजकल इतना खतरनाक दौर बन गया है कसम खुदा की, जिसका कोई हल नहीं। हर दिन पेपर में पढ़ते रहते न्यूज में, यहाँ का यहाँ ऐसा घटना हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ अभी हमरे कर्मगढ़ में कम बाजार गर्म है, आदमी मर्डर हो गया ना, पुलिस से डंडा मारा मर गया तो पूरा बाजार गर्म है। तो ऐसा अब क्या हो मामला वो लोग समझे, लेकिन सोचना चाहिए कि इंसान को ऐसा काम करो जिससे माँ बाप खानदान का नाम रोशन हो। गौसे आजम के दरबार में जब भी कोई जाता तो खाली नहीं लौटता। अजमेर जाओगे दिल से खाली नहीं लौटोगे, पत्थर चट्टी जाओगे खाली नहीं लौटोगे, रानीगंज जाओगे खाली नहीं लौटोगे। वली है, वली वली के दरबार में संभल के जाना, वली के दरबार में दिल संभाल के जाना। वरना पता है हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफर में निकले जा रहे थे, चलते चलते जंगलों को पार कर रहे थे। जुनेद बगदादी क्या देखते हैं, एक ना आदमी है जंगल में बैठा है, उनके गोद में एक औरत है, वो नौजवान लड़का है, उसको बोतल में समेट के कपड़ा रखा है, बोतल में कपड़ा समेट के उस औरत को पिला रहा है। जुनेद बगदादी फरमाते हैं या अल्लाह क्या गजब हो गया, एक औरत अजनबी है, ये लड़का भी अजनबी है, सुनसान जंगल है, इस औरत को शराब पिला रहा है, रंग रंगेली मना रहा है, अय्याशी कर रहा है। जुनेद बगदादी सोच के आगे जाने लगे, हातिब से आवाज आती, ए जुनेद ठहर जा, रुक जा, तूने गलत क्यों सोचा, क्यों सोचा गलत। वो जो औरत है, वो जो नौजवान है, तुम कहते हो शराब पी रहा है, गोद में बैठ के रंग रंगेली मना रहा, बगैर देखे फैसला कैसे किया। अरे वो जो नौजवान है, वो लड़का है, वो बेटा है, वो जो औरत बैठी है गोद में, वो उनकी माँ है। वो बोतल में शराब नहीं दूध है, ये रंग रंगेली नहीं, हज के लिए चला है, बिंदे के फैसला मत कर, देखो तो फैसला। आजकल लोग बगैर देखे फैसला कर देता है, कहीं कुछ देखा, अरे अरे जब तक तहकीक ना कर लो किसी। आजकल बूढ़ी औरतें हो जाती है ना, अभी परसों एक हादसा हुआ, मेरे पास नमक लेके एक औरत आई, बोले क्या है, बोले मौलाना साहब नमक हुआ पढ़ दीजिए, बोले ठीक है पढ़ देंगे, हुआ क्या, बोले वो मेरा एक गाय है ना, मेरी गाय वो दूध नहीं देती है। हम बोले क्या हुआ, बोले मौलाना साहब यास्ती बोलियो यास्ती, क्या हुआ, बोलो कर दूरिया पर पार भी गल गया, वो बुढ़िया देखल को नहीं तकनी दूध टेले कसम खुदा की। हम बोले हैरत है, क्या हुआ, बोल वो को नजरिया खराब हो,
बताइए एक औरत बूढ़ी बेचारी अगर किसी गाय देख ले और कोई अगर दूध ना दे तो क्या वो डैन है? आजकल वो सिस्टम चला है, बलू डैन ही को मोलना सा है। हमार कर्जिया खा गेल हो, कहले फोक्सिया और ना वाटर स्रोत कर्जी खाए दुनिया हम लोग अजब माहौल। औरतें सब है ये है, उन लोग को काम युदम है नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, बैठ करके खाली यही सर चूली पलो को चूज वो डेने के डे उसका फुस की बर्बाद कर। यहाँ बहु बेटी निम नंगिया गया है, यहाँ बहु बेटी सब दूध के धोवल है। चित्रा ऊपर, चित्रा ऊपर। तो याद रखना माँ बहने, किसी को तोहमत मत दो, बिंदे के फैसला मत करो, वरना कयामत के दिन तुम्हें पकड़ होगी। अपने बाल बच्चों को बेहतर शिक्षा दो, घर में बेटा बेटी हो तो वो पप्पी का कर दो, वही बाल बच्चे का नाम बेहतर रख दो। जब बच्चा बोलने लगे तो पहले जुबान से अल्लाहू अल्लाहू बुलवाओ, जब वो चलने लगे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो, उंगली पकड़ना, मस्जिद ले जाना, मकतब में बैठाना, इमाम से कहना हजरत ये मेरा बच्चा है, उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन हो गई है, इन्हें बिस्मिल्लाह खानी करा दे। याद रखना बच्चे को 10 5 4 साल 4 महीना 10 दिन में बिस्मिल्लाह खानी कराना चाहिए। इतने लोग बैठे कभी कराते हो ये सब रस्म जानते हैं कभी? जब बच्चा 4 साल उम्र हो जाए तो माँ बाप गार्जियन जाके इमाम साहब को घर में शहरों में रस्म रखता है बिस्मिल्लाह खानी का। ये बिस्मिल्लाह खानी आज मेरे घर में होंगे क्या, मतलब हमारे बच्चे बिस्मिल्लाह खानी करेंगे, मतलब आज कुरान बिस्मिल्लाह कुरान शिव शुरू करेंगे पढ़ेंगे, ये सिस्टम होता है। और वही लड़का जब जवान हो तो फिर बेहतर घर तलाश करके रिश्ता करना ये माँ बाप पर जरूरी होता है, ताकि वही बच्चे समझेंगे माँ और बाप क्या चीज है। याद रखो नौजवानों, 1 हज नहीं 10 हज कर लो, मजमेर में हर महीना हाजिरी दो, कलियर का छोछा जाके तुम पहुंच जाओ, बगदाद की धरती चले जाओ, हज उमरा कर ले। लेकिन तेरे घर में अगर तेरे माँ बाप तुमसे ना खुश है, तुमसे नाराज माँ बाप है, तुमसे तकलीफ है, अजमेर की धरती होते हुए बगदाद होते हुए मक्का मदीना चला जा, 1000 साल जिंदगी कटा दे, लेकिन याद रखना ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। बहुत बड़ी दौलत होती है माँ बाप। आज हमारे बाल बच्चे कोई गलती करते हैं तो माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है, जब कोई कहता तुम्हारा बेटा पकड़ा गया फलना जगह, तुम्हारा बेटा शराब पीते देखा तो माँ बाप को तकलीफ होती है। हम लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते, क्रिश्चियन अपने धर्म का फॉलो करता है, क्रिश्चियन के बच्चे जो होते हैं वो अपने धर्म को फॉलो करता, अंग्रेज अपने धर्म को फॉलो करता, संथाल अपने धर्म को फॉलो करता, अंग्रेज वो अपने धर्म को फॉलो करता, हिंदू अपने धर्म का फॉलो करता, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं उससे मतलब है, उसके धर्म दीन से नहीं मतलब होता, वो कुछ भी नहीं करता। हम लोग देखते हैं ना उसे दीन से मतलब ना धर्म से मतलब होता है, वो पता नहीं सुबह सोया उठा खाया पिया जिंदगी कट गई, उसको दीन दुनिया से मतलब नहीं रखा, जिस वजह से आज हम परेशान हैं। आज मुसलमान की बहु बेटियां गैरों के साथ जा रही है, आपको पता नहीं 18 से 17 हजार औरतें गैर मुस्लिम के साथ चली गई, 7 हजार से ज्यादा औरतें खुदकशी कर ली। क्यों? इसलिए कि हमने कभी दीन से मोहब्बत नहीं किया। नबी की बेटी फातिमा के बारगाह में उनके बाबा गए, कब एक वक्त गए और जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा बाबा। कौन? कहा बेटी मैं तेरा बाबा हूँ, मोहम्मद तशरीफ लाया हूँ। बीबी फातिमा फरमाती, या रसूल अल्लाह मेरे आका, मैं मजबूर हूँ बाबा जान, मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। बीबी फातिमा फरमाती है कि मैं खोल नहीं सकती। मेरे आका फरमाते, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तेरा बाप हूँ, तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। बीबी फातिमा फरमाती, बाबा एक ही कपड़ा था, जो कपड़े को मैं फींच करके धो करके सूखने दे दी हूँ बाबा, अब मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं जो पहन के तेरे सामने आऊं। एक
फटी हुई चादर है बाबा, जिस चादर को बदल को ठग के कोने में बैठी हूँ कपड़ा सूखने के इंतजार में। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी मैं अपने चादर को फेंकता हूँ अंदर, उसी चादर को तू बदल को लपेट के दरवाजा खोल। मेरे आका अपने चादर मुबारक को अपनी बेटी फातिमा के घर तक दे देते हैं। बीवी फातिमा अपने बदन में चाप कपड़े को चादर को लपेटती है, फिर दरवाजा खोलती है। बाप बेटे में बाप बेटी में बातचीत हो रही है, जुहर का वक्त होता है। बीवी फातिमा जाके घड़े से पानी निकालती है, फिर मुसल्ला बिछाती है, फिर नमाज की तैयारी करने लगती। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाया, बीवी फातिमा नमाज पढ़ने लगी, एक रकत पढ़ी, दूसरी रकत जब पढ़ी और जब सजदे में गई तो बीवी फातिमा सर नहीं उठा पा रही है। किसी सूरत से जब बीवी फातिमा ने सर उठाई, सर में चक्कर आया, बेहोश होके वही गशी आ गई। कुछ देर तक मुसल्ले में बीवी फातिमा बैठी रही। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमाया, बीवी फातिमा मुसल्ले में बेहोश हो चुकी है। मेरे आका पानी छिड़कते हैं, बीवी फातिमा को होश आता है। तब मेरे आका फरमाते बेटी अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तू कहना चाहिए, अगर तुझे बुखार था तो कहना चाहिए, अगर बीमारी थी तो कहना चाहिए। बीवी फातिमा फरमाते बाबा जान न मेरी तबीयत खराब थी, न मेरा बुखार था, न कोई मेरे अंदर बीमारी थी। बाबा जान मैं क्या बताऊं, दो दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है और मैं भूखी हूँ बाबा। इसी भूख के वजह से नमाज पढ़ते पढ़ते सर चकराया, बेहोश हो गई। याद करो मुसलमानों, जो फातिमा का बाबा माँ का, जो अगर सोने को पहाड़ को सोना कहते तो सोना हो जाता, उनकी बेटी दो दो दिन के फाका है, लेकिन नमाज की बारी आई तो बीबी फातिमा नमाज मुसल्ला नहीं छोड़ा, अपने ससुराल की शिकायत नहीं की, दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो अगर बाप के सामने में कोई बेटी अपनी ससुराल की बुराई ना करे, शिकायत ना करे, ये बीबी फातिमा की सुन्नत है। आज भी अगर कोई अब बेटी जैसे ससुराल गई और शिकायत ना करे, सास जैसे भी हो, ससुर जैसे हो, लेकिन वो कहे कि नहीं वो सबर कर लेना, तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत। अगर बेटी है ना सबर कर ले तो बीवी फातिमा की सुन्नत है। आजकल तो हम लोगों के यहाँ सिस्टम में अलग अलग सिस्टम है, सिस्टम इतना खतरनाक है जिसका कोई हद नहीं। शादी ब्याह का सिस्टम भी बहुत खराब है, शादी ब्याह के सिस्टम में बदलाव पैदा करो। मुसलमान हो गैरों की तरह मत करो, जो गैर की तरह करते हो ना उसको मत देखना, अपने आप को देखो, पैसे को बचाओ। बहुत भयानक वक्त तेरे गांव में मोहल्ले में तेरे समाज में आने वाला है, तो उन पैसों को बचाओ मुसलमानों। कितने गरीब की बेटियां आज मेरे यहाँ जुम्मा में, आज है जुम्मा था, कल था जुम्मा, कल था ना, आज था ना, सही बता रहा हूँ, पता नहीं जुम्मा आज था। मेरे गांव में खुद में जुम्मा पढ़ने गया ना, तो जब मैं देखा एक नौजवान एक दुमका तरफ से झाझा तरफ से आया था, कहा मौलाना हम बेटी की शादी कर रहे, कुछ चंदा करा दीजिए। कसम खुदा नौजवान आदमी बहुत खूबसूरत था, देखने में भोला भाला था। मैंने कहा कि कोई गलत नहीं, बल्कि हजरत मैं झाझा से कोई गलत के लिए नहीं आया हूँ, मेरी बेटी जवान है, मैं मजबूर हूँ, बीमारी मुझे परेशान कर दिया, अब मैं अपने इलाके में मांगने में शर्म आती है, मैं झाझा कर आने वाला हूँ, अपने इलाके में मांगने में बड़ी शर्म आती है, लोग पहचानता है हजरत। और उसकी आंखों में आंसू आ गया कि हजरत अगर 150 मदद हो जाता ना तो कुछ खाने में कमी हो गई, वो इंतजाम हो जाता। बताओ मुसलमानों कहाँ कहाँ बेटी के लिए भीख मांगने के लिए झाझा से ट्रेन में चढ़ के लोगों से छुप करके मेरे इलाके में आके मांग रहा था, ताकि लोगों की नज़र न पड़ जाए कि मैं जाने पहचाने लोग हूँ। बताओ मुसलमानों मेरी कौम के नौजवान क्या हो गया कि आज तुम गरीब बाप से पैसा मांग मांग करके पड़ाका फोड़ते हो, पैसा मांग के कब तक डीजे बजाओगे, याद रखना। इसी तरह ये राजीव जी लोहरदगा रेलवे स्टेशन देखे होंगे, लोहरदगा रेलवे स्टेशन में एक बूढ़ा, रांची रोहन रेलवे स्टेशन में एक बूढ़ा 3 बजे भोर रेलवे स्टेशन के बगल में रिक्शा लगा के मुसाफिर को देख रहा था कि कोई मेरी गाड़ी में बैठेगा, रिक्शा में बैठेगा, और जब बैठ जाएगा रिक्शा में ना तो 10-20 आएगा तो इसको जमा करेंगे,
दो आदमी उतरा, कहा चाचा फलना मोहल्ला जाना है? कहा हाँ हम जाएंगे। रिक्शे पे आके बैठ गया। 60 साल की उम्र में रिक्शा चला रहा था, दो आदमी बिठा करके 60 साल की उम्र में। कहा चाचा इतनी उम्र में रिक्शा चलाते हो प्लेटफार्म में, रेलवे स्टेशन के बगल में, इस उम्र में आराम करना चाहिए था, इस उम्र में सोना चाहिए था। 60 साल के बाप इस बात को सुना, आंखों में आंसू आ गया। कहा साहब मैं क्या बताऊं, मैं सो रहा था घर पे, मेरे बगल में दो जब तीन तीन जवान बेटी है, जब बेटी को देखती हूँ ना, देखता हूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती, मैं रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन आ जाता हूँ, ताकि कमाएंगे तो बेटी की शादी कर सकेंगे। ये बात कहते कहते वो रिक्शा चलाने लगा, कुछ दूर गया, चढ़ाई में चढ़ नहीं पा रहा था, 60 साल के आदमी कैसे चढ़ पाता। वो दोनों उतर गए, रिक्शा ठेला फिर बैठा। कहा चाचा आपके रिक्शा में बैठने का मन नहीं करता? कहा नहीं नहीं आप लोग बैठिए, हम खींच लेंगे। जब जब ताकत लगती है ना मुझको, तो मेरी जवान बेटी का चेहरा याद आता, तो मेरे बदन में ताकत आ जाती है और मैं खींचने लगता हूँ। कहा आप सुनिए, मेरी तीन बेटी थी, दो बेटी घर में अभी जवान पड़ी है, एक बेटी को मैंने आया था हरियाणा से कोई आदमी, और जब हरियाणा से आया अपना आधार कार्ड दिखाया, मुसलमान होने का सबूत दिया, कुछ लोगों को लाया, हमने अपनी बेटी की शादी दे दी, मेरी बेटी हरियाणा चली गई। मैंने सोचा चल मेरी एक बेटी तो कम से कम निभ गई, दो दो बेटी बची थी, मैं रिक्शा चलाने लगा, जिंदगी कटने लगी। 2 महीने के बाद जब मैं रिक्शा लेके 4 बजे भोर अपना घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, मेरी वही बेटी निकली जिसको मैंने हरियाणा में शादी दिया था। जो ही मेरी बेटी निकली, दरवाजा खोली, मैं देख के हैरत में, या अल्लाह ये क्या हो गया। कहा बेटी कोई फोन नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई खबर नहीं, तुम आई कैसे? इतना सुनना था। बेटी की आंख में आंसू आने लगा। जो बेटी घर में नमाज पढ़ती थी, जो बेटी घर में कुरान पढ़ती थी, जो बेटी घर में इबादत करती थी, वो बेटी बाप के कदम पे गिर गई। कहा बाबा आपने जो लड़का देखा था ना मेरे लिए, वो लड़का कुरान पढ़ने वाला नहीं था बाबा, वो मुसलमान नहीं था बाबा, वो सजदा वाला नहीं था, वो इबादत वाला नहीं था, वो हनुमान चालीसा वाला था, वो मंदिर वाला था, वो घंटी वाला था, वो क्या कहते हैं पूजा अर्चना वाला था। ए बाबा मैं 2 महीना वक्त हरियाणा में बिताया था, जो बेटी तेरे आंगन में सजदा करती थी वही तेरी बेटी हरियाणा में ससुराल में गैर के सामने में जाके घंटी बजाने पे मजबूर हो गई। जो बेटी फातिया पढ़ती थी वो बेटी तुलसी पूजा को पूज रही थी, जो बेटी सजदा करती वो बेटी मंदिर के सामने माथा टेक रहा था। ए बाबा खून बेचना पड़े तो बेच देना, रात भर रिक्शा चलाना पड़े तो चला लेना, लेकिन बेटी को कभी परदेश मत देना बाबा। मेरा ईमान तो चला ही गया, लेकिन याद रखना मेरी 2 बहन है, मेरे बदन का खून बेच लेना, लेकिन इस निकम में नौजवानों को खरीद करके बेटी को इलाके में शादी देना। गौर करो मुसलमानों, एक बाप रात रात भर जाग करके अपनी बेटी की शादी भी दिया तो गैरों के साथ, और वो ईमान भी चला गया, जान भी जाने का खतरा। इसलिए तौबा करो, किसी गरीब बाप को मत रोलाना, किसी गरीब बाप के आह मत लेना, वरना तेरे घर की ईंट से ईंट बच जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, कौम में भला ना होगी। आका फरमाते बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। आका फरमाते 3 बेटियां हो जाए कयामत के दिन उस माँ बाप के लिए निजात का जरिया बन जाए। आज हमारे समाज में आज तुम पड़ाका फोड़ते हो ना, उस पड़ाका का पैसा किसी गरीब मुसलमान की बेटी दे देना, 15,000 का डीजे मत बजाना किसी गरीब की बेटी शादी में, एगो पलंग दे देना, वो दुआ देगी ना तुम भला हो जाओ। पड़ाका डीजे डांस देख के अफसोस लगता है क्या? आता है मुसलमान शादी के नाम पे, याद रखना इस बात को, नोट कर लो, 30 गाड़ी लेके आता है सर, 20 गाड़ी 30 गाड़ी, क्या दिखाना चाहते हो? किसको तुम ये मर्दांगी दिखा रहे हो? वही बेटी बाप को जिनसे 2-3 लाख लिया, उनके घर में 20 गाड़ी, शर्म होनी चाहिए मुसलमान को, 20 गाड़ी 25 गाड़ी दरवाजे पे। पड़ाका याद रखो, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप
लोग तो इतना दोस्तकबा फोड़ते, हम लोग झोला बम लेके जाते। जब फायदा है बड़ा कम तो छोटा छोटा का है, एकदम बोमे पटक देते। एक झोला देना मटी ले जाते, समझी घर ही में देते। हज का सवाब मिलता, फला हो तुम का खर्चा करते। ये कौन पड़ाका डीजे नाच गाना कर लेगा? और दिया है नबी की सुन्नत अदा करने, गौर करना दो मिनट, नबी की सुन्नत अदा करने। खाना खा के सब चल दिया, पड़ाका फोड़ के भाग गया, डीजे बजा के चल दिया, दो सब मेहमान अपने अपने रूम में, अपने अपने घर में, दूल्हा चौकी में एक बजे रात तक बैठा, निकाह नहीं पड़ा, सब जमा हुआ निकाह नाम पे, इतनी गाड़ी आई निकाह नाम पे, डीजे बजा निकाह नाम पे, पड़ाका फूटा निकाह नाम पे, पिंडल जनरेटर समझाना, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना निकाह नाम पे। अभी निकाह रुका है, खाना खत्म हो गया, निकाह बाकी है, पड़ाका खत्म, निकाह बाकी है, डीजे बंद, निकाह बाकी है, मेहमान हवा, निकाह बाकी है, सब लोग चुप। जिसको करने आया था उसको कोई नहीं छोड़ सकता, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। दूल्हा चौकियां बैठ के बरिया तरफ जप रहा मुर्गी को, देख ले कसम से मुर्गी लखन जपो। अब दियो एक दो बहनों हो सुन देख देख के सुतल पछन दूल्हा को कुरे उठे लगल के एते रात लयो जाए ने एते रात को भी हिसियर के ले जाता। अब सिद्धांत ना बेसी कुकरो थे आवे कसम उदा एक बजे डेढ़ बजे रात ले दुल्हा चपेल लगा लो यार ला सब खा के हमको फंसा कहाँ चला गया, सब गाड़ी लेके चला गया खाली, अभी तक निकाह नहीं हुआ। जिस काम के लिए इतनी खुशी हुई वो काम नहीं मुसलमान, गौर किया इमाम साहब रजिस्टर लेके आया है, देखता है कि दूल्हा जप रहा है। इमाम साहब कहता ठीक से बैठो बेटा, निकाह पढ़ाने टाइम हो गया, सिर्फ दोनों बहनों ही और एक दो आदमी। इमाम साहब गवाह पूछता है, गवाह नहीं मिलता। एक दो बूढ़ा बैठ के जपता है, इमाम साहब कहता चाचा आपका नाम गवाही में लिख देंगे, आप सिग्नेचर करना जानते हैं? बोल चल तो चलेगा हजरत, कलिए रति हम चल जाए। सब बढ़िया बढ़िया आदमी हवा हो अजब माहौल हम लोग देखते हैं, क्या माहौल है पता नहीं। याद रखना यही वजह है कि आज तेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार रहा, तेरी मस्जिदों में बुलडोजर चल गया, तुम्हारे मदरसों को तोड़ दिया गया है, तुम्हारे मजारों को जला दिया गया है, तेरी बेटियों के सरों से नकाब को छीन रहा है, तेरी दाढ़ी पे हमला, तेरी टोपी पे हमला, तेरे दीन पे हमला, तेरी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी सजदे पे हमला, कभी कुरान पे हमला, क्यों क्यों मस्जिदों को तोड़ जा रहा है, मजार को तोड़ दिया, क्यों बेटों को सड़कों पे पीट रहा है, नकाब पहनने पे पाबंदी क्यों? इसलिए कि तुम अजान 5 वक्त सुनते हो कभी नहीं जाते, जलसे में आते बैठ के कभी हम नहीं अमल करते, उलमा से मिलते मोहब्बत नहीं करते, घर में कुरान रखते हो तलावत नहीं करते हो, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत नहीं करते हो, समाज में बैठते हो इंसाफ नहीं करते। यही वजह है तुम्हारे घर पर आज कुरान किसके घर पढ़ा जा रहा है? रात रात भर टीवी देखता है। हाँ एगो बेटा वहां वो बहू टीवी, वो बेटा व्हाट्सएप, वो फेसबुक, वो गेम, बुढ़वा सुतल है। 1:30-2 बजे रात हर घर में देखिएगा आवाज आएगी गाने की, 1 बजे 1:30 बजे रात है मुसलमान के घर में, और 8-8 बजे तक सो के उठा है। संथाल के गांव में हम लोग रात में प्रोग्राम करके जब गुजरते ना संथाल गांव में, कसम खुदा के संथाल औरतें सब उठ जाती है, आदिवासी उठ करके 4 बजे झाड़ू उड़ू धन लेती है घूमने फिरने लगती है। हम लोग देखते हैं इलाके में, शहरों में जाते हैं सब लोग दौड़ रहा है, गाड़ी 4 बजे भोर चलाने में दिक्कत होने लगती है, सब दौड़ रहा है, औरतें मर्द बच्चे सब ले लेके दौड़ रहा है। हमने कहा क्यों दौड़ रहे हो? कहा मौलाना सुबह दौड़ने से तंदुरुस्ती आती है। कहा क्यों?
और सुबह हवा चलती है उसी हवा के पावर में ताकत है। मैंने कहा सुनो वो हवा में ताकत नहीं है, सुबह मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए उसी आने के खुशी में हवा में ताकत आ गई, आज कोई 4 बजे उठे तो रसूल के सदके में सेहत याब। इंजीनियर इतना मोट मोट दिखाता है ना खूबसूरत, और हम लोग को बाल बच्चा घिट गए लेकिन भोटिए बैठ गए। रोग 7 बजे माँ सो के उठ रही है, 8 बजे बाप, 9 बजे गिदर बुतरू मुहा गिर दिखाते रहो तो पड़े का फूटल हरकत बरकत खत्म। बोल मौलाना साहेब एगो ताबीज लिख देव, कहिए ना एगो मौलाना में खींचो हम टैंग जब तबीज में थोड़ा काम कर तब अजब 9 बजे 7 बजे सोसो के उठेगा क्या काम करेगा। हम लोगों ने कभी 4 बजे भोर उठ के देखो तो जो बच्चा पढ़ता है इसी परेशानी में, इसी निम्नगाल में बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, वो लोग 4 बजे भोर उठ के चलता है उठता है, वो लोग जानता है पढ़ाओ बेटों को घर का माहौल बदल देगा। बेटा पढ़ा, एक बेटा पढ़ेगा पूरा घर का माहौल बदल देगा, उसके चाल चलन रूप रंग बोली चाली अजब तरह बाप फख्र करता है, ये कौन है, ये मेरा बेटा है, कहाँ पढ़ रहा है, अभी खागम पढ़ रहा है, आपकी देवघर जाएगा, आपकी जमतला जा रहा है, बाप सीना तानता है, ये बेटा कहाँ इंटर कर रहा है, ये बेटा ये मेरा ग्रेजुएशन कर रहा है, ये बेटा ये वो भी फॉर्म भरा है होता है नौकरी हो जाएगी, बाप सीना तानता है। अभी 2-4 गो बेटा है, 5-6 गो बेटा है, कोई काम करना, 2 गो गुजरात में, 1 गो ड्राइवर ट्रक में, 1 गो ससुराल में, 1 गो घर में फटाफट, बाप परेशान कोई मतलब नहीं, 5-6 गो बेटा है कोई काम नहीं, एक गो बेटा है पढ़ रहा है बाप फकर पर, 2 बेटा है लाइन पर है पढ़ रहा है, अब 5-5 गो बेटा है, ये बेटवा क्या है, बड़ी तनी प्रियंकर बारे गए उठा बोलू ससुरिये में रहो, बोल ई पद कन्हा है कोई कुछ नहीं सुनो, ई बोल एकर तब बते मत पूछ, बोल ई एकरा एकरा मोन दो कोई मतलब नहीं, मतलब 5-6 गो मुसलमान घर में कितनों बाल बच्चा रहे कोई मतलब लेन रहता नहीं, घर में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, क्यों कि तूने नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ा, रसूल की सुन्नत को छोड़ा, कानून है मोहम्मदी को तुमने रोना सिराते मुस्तकीम को छोड़ा, लौट जा पीछे के तरफ देख इस्लाम में कितना मजा आता है, शरीयत में कितना अच्छा लगता है, सुन्नत अमल कर लो मीठी मीठी खुशबू आएगी चेहरे में रौनक बढ़ जाए। कितने बड़ी सुन्नत को अदा किया, क्या नाम जहांगीर साहब, जनाब मोहम्मद जहांगीर साहब ने इतना बड़ा जलसा का आयोजन किया, कम खाना खाए लोग, इतनी भीड़ थी, गाड़ी रखने में तमाए थे, बहुत बहुत बड़ा जलसा, लेकिन लोग खाते गए चलते गए, क्योंकि उनका उनकुश थे कि सब इस तरह नहीं होता है, सबके सोच में एक नहीं होता है, सोच में भी बदलाव होता है, इसलिए माँ बहने आप अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपने चेहरे का ध्यान रखें, बाल बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन करके उसे कुरान थमा दें, हर जुम्मा के दिन कुरान की पल तिलावत करें, डेली जुम्मा के दिन घर उर पोछना धोना साफ उफ करना, शोहर सब नमाज पढ़ने जाएंगे तो घर में नमाज पढ़ दो, नहा धो करके मुसल्ला बिछा के तो कुरान पढ़ना, शोहर जब आएंगे तो सलाम करना, ऐसा लगेगा घर में हफ्ते की ईद हो, कसम खुदा की खाली जुम्मा का दिन तुम नमाज पढ़ कुरान की तलावत करना, शोहर जुम्मा पढ़ के टोपी पहन के आएगा तू सलाम करना, इतना सुहाना लगेगा, लेकिन आज मेरे घर में ईद है, सब घर धुआ पोछा हुआ है, इतना सफाई लगेगा, लग रहा कि मुसलमान का घर, और तू मेरी माँ बहन सलाम करना जरूर जब जुम्मा से आए, तब देखो घर में कितनी रहमत है। नौजवानों अगर तेरी बीवी बहू सब सलाम नहीं करे ना, अब की जुमा तो आज कट गया, अब की जुमा जरूर आएगा खुदा के वास्ते, अब की तू प्लान बना के रखना कि हम डेली घर जाते मेरी बीवी सलाम नहीं करती, अब आज हम घर जाएंगे जुमा पढ़ के हम सलाम करेंगे, तुम एक दिन सलाम करना, कसम खुदा के दूसरे जुमा से तेरी बीवी सलाम, बदलाव आ जाए, एकदम बदलाव आना है। एक लड़का किया था ना, हम तकरीर कर दिया, लड़का अमल किया, जुमा पढ़ के एकदम जाकर घर घुसा, बीबी कुछ काम कर रही थी, सोचा मौलाना झारखंडी साहब ने जलसे में कहे हैं कि जो शोहर अगर बीवी को पहले सलाम करे तो मौला अली की सुन्नत अदा होगी, अगर बीवी करे पहले सलाम तो फातिमा की सुन्नत होगी,
तो मेरी बीवी तो सलाम नहीं करती है, फातिमा की सुन्नत तो अदा करती नहीं, आज हम अली की सुन्नत अदा करेंगे। शोहर इधर से घर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, जुमा पढ़ के शोहर गया 1:30 बजे दिन, ठीक है अपने बीवी से कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाय से खड़ी, बोल तो जुमा दिन थी धधा कसे लग लिया आज की ना, बोले अस्सलामु अलैकुम, बोल लागो तुम मक्का से आले हो कसम अस्सलामु अलैकुम, बोल तो थथुआ एकनु जुमा दिन हो रत की रत कगनु सही रन मु, वो सोच रही कि ये हो क्या गया, बोले अस्सलामु अलैकुम, बोल तुर मोनम किर देखो मारबिन किर कर, चूंकि आजकल के दौर में जो है ना हम लोग के यहाँ इस्लामी डिसिप्लिन है ही नहीं, अब की जुमा तुम सलाम करके चेक करना बीवी खाली मुंह में देखेगी, परेशान भेजा तो बोली की भेज ले, बोले अच्छा तुर मोनम किर लागू तो की कर ली आज की ना, क्योंकि हमने कभी इस्लामी कल्चर को इख्तियार नहीं किया माशाल्लाह, लेकिन परसनी और इस इलाके में फिर भी माहौल बहुत अच्छा है, अभी भी माहौल। आज मैंने जितनी देर गुफ्तगू की मैं रंग बदल के बोला, पहले के रंग में नहीं, मैं हंसाता भी बहुत ज्यादा हूं तो रोलाता भी बहुत ज्यादा हूं, ऐसा नहीं, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी चुटकुल्ला लतीफा नहीं होता, यूट्यूब खंगाल तब पता चलेगा मैं दर्द दिल बयां करता हूँ और इसी दर्द दिल से पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। कल स्टेम मेरी तकरीर मधुपुर में होकर के फिर दुमका होगी, और कल स्टेम में गिरिडीह थी, परसों कहाँ पटना में थे, पर डे ही हाल है, पूरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई तारीख खाली नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है और ये उलमाओं के मोहब्बत का नतीजा है जो आज मैं पूरा हिंदुस्तान का सफ़र करता हूँ, कोई पटना हो दिल्ली हो अभी यूपी का कई जलसा पढ़े कलकत्ता का जलसा पढ़ के या कई किशनगंज पूर्णिया का जलसा पढ़ के, ऐसा नहीं कि मैं इलाके में ही रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी न अपने घमंड किया न कभी बड़ाई की न कभी अपने आप को फख्र सोचा, मैंने हमेशा अपने से छोटों को भी मैंने बड़ा समझा, मैंने आलिम से मोहब्बत की है, उलमा से मोहब्बत की है, मैंने किसी की बुराई नहीं की है, और यही नतीजा है कि आज झारखंडी को पूरे हिंदुस्तान सुनना तो छोड़िए देखने के लिए परेशान। माशाल्लाह जहांगीर साहब ने बहुत अच्छा जलसा सजाया, लोगों को बुलाया, आप लोग बहुत अच्छा सुने। देखिए हम लोग का सिस्टम बहुत खतरनाक है, मतलब हम लोग का सिस्टम है कि जहां खाना नहीं होगा वहां जाना नहीं होगा, और जहां पहले खाना खिला दिए आधा आदमी हवा, और खाने के बाद कुछ लोग रहा रहा फिर निकल जाता है मान, लेकिन माशाल्लाह हम लग रहा था कि ये कह रहे थे कि 11:30 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन 12:15 बज गया और मेरी तकलीफ मेरी तकरीर 1 घंटा मुकम्मल हो गई। मैं चाहता तो और कुछ देर बोल देता लेकिन आप लोग थक चुके हैं और आप लोग परेशान हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आपने सुना, और आज मेरी जो गुफ्तगू हुई माँ हसल ना हालात हाजरा पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ठीक ठाक है बाबू मुहा चलो पुड़िया चल रहा है मुँह में हो ना दिल में फुटका मुंह जुबान में सब लगा खाने पीने पे लग गया, कोई मतलब नहीं कहाँ बैठा क्या है, हम लोग जुमा दिन को पूरी आज की ना बोल हाँ रे बोली रोपली कले मस्जिद में जहाँ बोलना यहाँ नहीं बोलेगा मिला बुढ़वा बैठे बोलिए लुआ रोपली कले बापू दादा आज मस्जिद इटा खेत के मस्जिद के बोलने उठा कह कसम मिला दे बोलने कहीं नहीं बोलेगा अभी देखना बुढ़वन लोगों को बरंडों में बैठते पर थाना काट नहीं कली ये है काट जितना गप सब बोल छोड़ा पेशवा पठा दिल को कहीं टा पोस्ट ऑफिस के लिए मतलब उसे मतलब है ना खाली एक गप नमाज नहीं पढ़ता 95% नमाज पढ़ने नहीं जानता है क्या फकर करे कुछ नहीं जानता वजू नहीं अब ये बोला का आज वजू बनाने लगा अब ठीक सर का मसा नहीं करता है ऐसे देखिए सर का मसा करने का असल तरीका देख लीजिए ये हाथ देखिए मेरा ये देखिए उंगली उंगली देख रहे हैं ये देखिए इसका हाथ देखे ना ऐसे रखिएगा ऐसे देखिएगा और इस तरह करके ये कान यहाँ ले जाएगा उंगली ये अंगूठा या कान तक और फिर हाथ पलट जाएगा ये पानी पोछा जाएगा इधर का भी इधर का ये नियम है इधर से ले जाना है और यहाँ से ये उंगली जो है फिर कान के लौ में ये अंगूठा कान के लौ में और फिर हाथ पलट जाएगा यही मसा है लेकिन हम लोग
कहलिए हाँ रे चुकचुकुआ कौन किताब में लिखल जादू चुकचुकुआ बोल हजरत साहब चुकचुकुआ तो उसमें चुकचुकुआ है मतलब कोई मतलब काहे करब करो मतलब हिसाब किताब पढ़ना इसलिए कुछ हो या ना हो बाल बच्चों को पढ़ाना इंशाल्लाह आज एक घंटा मुझको बोलने का मौका मिला और आज मैंने जो गुफ्तगु की है आज हमको लगता है कि फिर ये गुफ्तगु नहीं कर पाएंगे जिस तरह मैंने तकरीर कर दी है अल्लाह का करम है आप लोग बहुत अच्छा बैठे पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।